हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी थी वो कहीं कहीं रिस्टोर हुई या नहीं हुई। तो कल एक जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा लगाया गया आरटीआई की रिप्लाई में यह है कि अभी तक जो है ना, राजस्थान के अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, उसने अपनी वैकेंसी आरआरबी के लिए नहीं दी है। क्योंकि उसमें यही बोला गया कि जो मैन पावर है उन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दिया कि वैकेंसी को रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा तो अगर राजस्थान में नहीं हुई तो वो आप लोग मान के चलो कि गुजरात और यूपी में भी रिस्टोर नहीं हुई। अब अगर रिस्टोर नहीं हुई तो अपने क्या कर सकते हैं? अपने अभी इस टाइम पे सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो एक ट्वीट कैंपेन चला रखा स्टूडेंट्स ने, तो उनमें अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं और वहां पे जाके अपने ट्वीट कर सकते हैं कि कहने की वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा वापस दे। तो ये चीज अपने कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस ट्वीट कैंपेन में अगर अपना पार्टिसिपेशन दिखाए तो कहीं कहीं क्या पता आप लोगों की वैकेंसी रिस्टोर हो जाए। पर अभी ऑफिशियली तो अपने पास कुछ न्यूज नहीं है कि वैकेंसी कब तक रिस्टोर होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को, उस दिन ही आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी कि वैकेंसी कितनी वैकेंसी रिक्रूट हुआ है, कितनी वैकेंसी रिस्टोर हुई है, नहीं हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 0 वैकेंसी है। वो सारी चीजें आप लोगों को रिजल्ट पे ही पता लगेगी, क्योंकि उससे पहले वो डेटा को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। आरटीआई रिप्लाई में भी सिर्फ यही आ रहा है कि जो मैन पावर की वजह से वैकेंसी जो है वो एक बार के लिए रिस्टोर नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। जब भी रिजल्ट आएगा 1 तारीख को, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उससे पहले आप लोग अगर ट्वीट कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हैशटैग है वो आप लोग वहां पे ट्वीट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।